अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इनफॉर्मिंग एरा। इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड का पहला टैब, होम टैब। ठीक है, होम टैब। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इसका इंटरफेस, इसको ओपन करने का तरीका वगैरह बताया था। आज हम इसके लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये होम टैब्स। ठीक है, होम टैब में सबसे पहला ग्रुप जो है उसका नाम है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में कुछ ऑप्शन हैं जैसे कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट वगैरह। ठीक है, आज हम ये ग्रुप इस्तेमाल करेंगे और इसको सीखेंगे कि ये कैसे ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं भी कुछ लिखता हूँ, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अभी इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी एमएस वर्ड में कोई भी ऑपरेशन इस पे लगाना हो तो उससे पहले, सबसे पहले जो है ना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखें, ये मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया है और ये इस ग्रुप में जो क्लिप बोर्ड में ऑप्शन है ना, कट, कॉपी, ये दोनों अभी ऑफ हैं, ये दोनों ऑप्शंस ऑफ हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ये ऑन हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप इस इतने टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, या बाहर से आपने कोई चीज़ कॉपी की हुई है उसको पेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए इसको ऑन सेलेक्ट करने के बाद भी ये पेस्ट का ऑप्शन ऑन है। इस वजह से ये जो ऑप्शन है कि आपने अगर कोई चीज़ बाहर से एमएस वर्ड में नहीं कॉपी की, बाहर से कॉपी की है उसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये इधर से पेस्ट होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कि ये मैंने एड्रेस कॉपी किया हुआ था वो इधर शो हो गया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फिर मैंने कंट्रोल जेड किया है। ठीक है, चलें देखें इसमें। अब सबसे पहले इसको हम करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने बाद भी कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद अभी जो ना, ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था जितना भी टेक्स्ट वो सारा कट हो गया। अब हम जहाँ पे इसको चाहते हैं, ठीक है मैं नीचे आ जाता हूँ, जहाँ पे हम चाहते हैं इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपने इधर आना है, पेस्ट पे क्लिक करना और ये हो गया पेस्ट। ठीक है, इधर ड्रॉप डाउन बटन है, इसमें आके आप पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं। ये इमेज हो गया, ये टेक्स्ट हो गया और ये फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी है ना, ये सब पे स्पेशल पेस्ट का ऑप्शन है, ये हम बात करेंगे आगे चल के। अभी दोबारा हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इधर कॉपी पे आते हैं और कॉपी हो गया, ये इधर जो पड़ा भी हुआ है कॉपी हो गया है, और नेक्स्ट हम पेस्ट करते हैं तो ये पेस्ट भी हो गया। अब आपको बताने वाली बात जो ये है कि कॉपी हुई चीज़ को आप जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1000 बार भी पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट होगा क्योंकि ये कॉपी हुआ हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको कट करते हैं, कट करेंगे, कट करने के बाद करते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे, ये जो है ना, ये इसलिए पेस्ट हो रहा है क्योंकि ये क्लिप बोर्ड में ऑलरेडी कॉपी होने के बाद क्लिप बोर्ड में चला गया था, इस वजह से ये उधर से पेस्ट बार बार हो रहा है। अगर हम कट करते हैं ना किसी चीज़ को तो वो बार बार पेस्ट नहीं होती। ठीक है, मैंने पहले कॉपी किया था इस वजह से वो क्लिप बोर्ड में चला गया है तो वो बार बार कॉपी हो रहा है, वरना ये जो है ना कट करके पेस्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही बार कट होगा और एक ही बार पेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे है फॉर्मेट प्रिंटर। ये टेक्स्ट के ऊपर हुई कोई किसी भी किस्म की प्रॉपर्टीज़ को जो है ना कॉपी करता है और उसको दूसरे टेक्स्ट पे जो है ना पेस्ट करता है। ये आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे है। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000, नीचे लिख लेते हैं माइक्रो सॉफ्ट एक्सेल 2010। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। ये है कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब इसका जो भी फॉन्ट साइज़ है, इसका फॉन्ट स्टाइल है, ये बोल्ड है या इटैलिक है या अंडरलाइन है, ये इस चीज़ को हम ना वो सारी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इस पे जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं, जैसे मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ठीक
ठीक है, ये मैंने इसका फॉन्ट चेंज किया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, ये सारी इसकी फॉर्मेटिंग है, ठीक है, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इधर आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके अब जितने जितने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे ना, ऊपर वाले की फॉर्मेटिंग सेम इस पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये अप्लाई होगी, कंट्रोल जेड करते हैं। अभी मैं सिर्फ 2010 पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है ना इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे आना है और इसको ऐसे कर दें, इसको सेलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर, और ये देखें उसकी फॉर्मेटिंग जो भी है ना वो सारी इस पर अप्लाई होगी, ठीक है। और जो हाईलाइट वाली ऑप्शन है वो हम पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले को, तो वो अप्लाई होगी। ये देखें, ये फॉर्मेट पेंटर, ये कट किया, कट करने की शॉर्ट की है कंट्रोल एक्स, आप अपने कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल एक्स दबाएंगे और ये कट हो जाएगा, ठीक है। और पेस्ट करने का ऑप्शन है कंट्रोल शॉर्ट की है कंट्रोल वी, आप अपने कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। कर्सर को नीचे ले आएं, और ये सिलेक्ट करने के बाद इधर एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर और फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी वो हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, फॉर्मेटिंग को टेक्स्ट को क्लियर नहीं करेगा, टेक्स्ट को या जो भी आपने लिखा हुआ होगा कोई भी चीज़ है वो उसको क्लियर नहीं करेगा, वो सिर्फ उस पर अप्लाई हुई फॉर्मेटिंग को क्लियर करेगा, ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। मैं अभी आपको ये क्लिप बोर्ड और फॉर्मेटिंग वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करें, सिंपल इधर एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी और जो है ना आपका टेक्स्ट वो नीचे पड़ा रहेगा सेम एज इट इज। और कॉपी करने की शॉर्ट किया कंट्रोल सी, और कीबोर्ड से अपना जो है ना पेस्ट करने की कंट्रोल वी। ये मोस्टली तकरीबन हर बंदे को ही पता होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको पहले भी पता हो। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड का जो है ना ग्रुप, उसको कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।